अगर आप भी ऋषभ पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है, जिसके पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। और दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के लिए ऋषभ पंत उतरे थे, तो वहीं ऋषभ पंत के ओपनिंग करने पर महेंद्र सिंह धोनी भड़क गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतरीन विकेटकीपर, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारतीय टीम पहले वनडे मुकाबले को बहुत ही शानदार तरीके से जीत गई और 1-0 से सीरीज में बढ़त बना ली। और दूसरा मुकाबला खेलने के लिए अहमदाबाद के मैदान पर उतरी तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा टॉस हार गए और रोहित शर्मा ने अपनी टीम में एक बदलाव किया, और वो बदलाव केएल राहुल का है, जिसमें केएल राहुल ईशान किशन की जगह खेलते हुए दूसरे मुकाबले में दिखाई देंगे, क्योंकि पहले मुकाबले में राहुल अपनी बहन की शादी के कारण नहीं आ पाए थे। तो वहीं वेस्ट इंडीज की तरफ से कप्तान किरण पोलार्ड फिट न होने के कारण नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह निकोलस पूरन कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी जगह ओडियन स्मिथ को टीम में शामिल किया गया है। और वेस्ट इंडीज के कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, और जब भारतीय टीम के बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए उतरे तो 15 ओवर के अंत तक 48 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने बना दिए। तो वहीं भारतीय टीम में ओपनिंग के लिए ऋषभ पंत उतरे थे रोहित शर्मा के साथ, जिस वजह से महेंद्र सिंह धोनी भड़क गए और उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पास अगर ओपनिंग का विकल्प नहीं है तो वो किसी ओपनर को अपनी टीम में शामिल करे, लेकिन भारतीय टीम के पास केएल राहुल जैसा बेहतरीन ओपनर है और आप उस खिलाड़ी से ओपनिंग न कराकर मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते आ रहे खिलाड़ी से प्रदर्शन करा रहे हैं, ये आपका बहुत ही गलत निर्णय है, क्योंकि अगर आप उस खिलाड़ी के साथ बदलाव करेंगे जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है तो आपकी टीम के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। और तो और, ऋषभ पंत जैसा बेहतरीन खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए समय समय पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन आपने उसके बल्लेबाजी क्रम को बदलकर उसके प्रदर्शन पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाला है, क्योंकि अगर वो इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते तो शायद ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण और समझदारी भरा निर्णय होता, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेकार बल्लेबाजी की और ओपनिंग करते हुए ऋषभ पंत असफल हो गए, और ये भारतीय टीम का बहुत ही बेकार निर्णय था। और आगे से भारतीय टीम को अगर किसी खिलाड़ी को ओपनिंग करवानी है तो भारतीय टीम में ओपनिंग का विकल्प जरूर तैयार रखें, जिससे भारतीय टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर सके और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दे सके। दोस्तों, ऋषभ पंत को ओपनिंग पर उतारा जाना कितना सही है और कितना गलत, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें।